अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर हो रही है ज़बरदस्त सी शादी की तैयारी, मतलब हमारी फैमिली में किसी की शादी थी मेरे इन-लॉज में, तो वहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। और ये सुबह का टाइम है तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखे थे, तो ये मैं आपको शर्ट दिखाऊँ। ये एक्चुअली वैसे तो लेडीज़ के आउटफिट दिखाए जाते हैं, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था कि ये मैंने हस्बैंड को गिफ्ट करना था, क्योंकि इतना बड़ा काम करके दिया उन्होंने हमें अपने हाउस शिफ्टिंग, और इतना अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने। तो अमूमन असल में मसला ये होता है कि जेंट्स होते हैं ना, वो बेचारे बहुत सीधे होते हैं, वो बस बच्चों के लिए और घर के लिए लगे रहते हैं, लेकिन अपने लिए वो कुछ भी। और मेरे हस्बैंड तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही, उनके इर्द में जितने भी लोग देखे ना, वो बड़े ही मुझे सीधे से लगते हैं। सीधे से मुराद कि जहाँ आप उनको जैसा देंगे वो खा लेंगे, जहाँ लेते हैं वो कोई ऐसे में नखरा नहीं है, और अपने लिए तो वो शायद ही कोई चीज़ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और जेंट्स बेचारे अमूमन नहीं बोलते, तो उनकी शर्ट्स वगैरह थी और उसके साथ ब्लैक पैंट का कंट्रास्ट था, और ये शूज़ जो दिखाए मैंने वो उनको यहाँ गिफ्ट किया। और अचानक से शादी थी तो ये सारा जो ड्रेस था वो उनका वहाँ पर जना पहनने में काम आ गया, और बहुत प्यारा लगा। तो ये तो जनाब हस्बैंड, क्योंकि ये बस मैंने अभी प्रेस करने के लिए निकाले थे सारे कपड़े, ताकि सुबह तैयारी कर लूँ, क्योंकि आज ना लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, सुबह से काफ़ी लाइट जा रही है, तो मुझे मतलब भी डाउट हो रहा है कि ऐसा ना शाम में लाइट चली जाए। तो उसके बाद ये जो वाला फ्रॉक देख रहे हैं ना, ये है मेरी गुड़िया का, छोटी का, और इसका ये बड़ा पेपलम स्टाइल में बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, और पीछे से लॉन्ग है, मतलब आगे से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो बड़ी प्यारी इस पर ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और इतना खूबसूरत सा इसका स्टाइल है, और बड़ा मुझे मुनासिब प्राइस में ये मिल गया था। ये आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था कहाँ से लिया था, तो ये मैंने लिबर्टी या लाहौर की एक मार्केट वहाँ से लिया था, और इसके साथ ये कंट्रास्ट में ट्राउज़र, और ये इसके मैंने बहुत ही, ये भी मुझे बड़े मुनासिब प्राइस में सेल में मिल गए थे, लेकिन मेरे साथ बहुत ही ब्लंडर हुआ कि ये मैंने ख्वाहिश फरी दिखाई और ये मैंने संभाल के रख ली, लेकिन ये मैं जब जाने लगी तो वो उसको नाप ही नहीं आया, इसके छोटे हो गए, इतने छोटे तो नहीं है, लेकिन वो बस थोड़ा सा भी बच्चा अगर पहनने में तंग हो जाए ना, तो वो चीज़ वो पहनने से फुल इनकार कर देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बाज़ों का तो मेरी ख्वाहिश वाली जो थी ना वो मेरे गले फिट हो जाती तो बस ये सिलिका बंदी जो थी ना वो इसके मामले में वो बस हवा हो गई, लेकिन बहरहाल काम आ जाएंगे। और किसी को गिफ्ट करना पड़ा अगर कोई स्वीट सी बेबी हुई आसपास, तो जनाब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। खैर, और ये वाला जो आउटफिट है ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ड्रेस है, और इसके ऊपर हैमर वर्क जिसे कुट्टे का मतलब कूट कूट के काम होता है, मतलब दबा कर कूट कर इसको बनाया जाता है, और ये एक ग्लिटर टाइप एक मटेरियल होता है, और इसको हैमर के ज़रिए यानी कि हथौड़ी जो होती है ना, वो उनकी हथौड़ी उस टाइप की होती है, वो अलग से होती है। तो ये देखिए ग्लिटर को ना इसके ऊपर बड़े मेहनत से इस तरीके से चिपकाया जाता है इसको, और ये बड़ा खूबसूरत है। और ये मेरे बरी का आउटफिट था, वैसे मेरी ओवरऑल जो बरी थी ना वो बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, और डिज़ाइन कलर उनका कंट्रास्ट वगैरह हर चीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया गया था। तो ये वाला मसला होता है कि ऐसे कपड़े जो होते हैं ना वो शादियों में ही पहने जाते हैं, और हसरत ही पूरी नहीं होती है, इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं तो दिल करता है कि इनको पहने। तो जनाब जब जो हुआ तो मैंने सोचा कि इसका कंट्रास्ट का कलर बहुत खूबसूरत है, तो ये मैंने सूट निकाला, और इसके साथ इसका चूड़दार पजामा है और दुपट्टा है, और इसके साथ जो है ना वो मैंने लेना है ये स्कार्फ। और स्कार्फ इसलिए लेना है कि वैसे अमूमन हमारी शादियों में पार्टीशन होता है, अगर कुछ शादियाँ ऐसी जिससे मैंने इससे पहले शादी में पहना था तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे सेपरेशन थी, तो मैंने स्कार्फ नहीं लिया था, लेकिन इसमें भी सेपरेशन है, लेकिन फिर जो वेटर वगैरह होते हैं वो जेंट्स होते हैं, तो मैं सर को कवर करने के लिए प्यारा सा स्टाइलिश सा स्कार्फ ले लेती हूँ, उससे बड़ा अच्छा लुक भी आ जाती है, और आपका मतलब बाल भी कवर हो जाते हैं। इसके साथ ये जनाब मैंने लिए थे शूज़, और ये शूज़ जो हैं वो मैंने लिए थे, जब मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में, जब मुझे दावत के अंदर मिली थी, आप समझ लें ईदी तो नहीं, सॉरी हूँ, आप समझ लें कि मुझे एक इनाम के तौर पे जो मिले थे ना कैश, तो उसमें मैंने कुछ थोड़े से पैसे ऐड कर लिए थे, और ये मैंने मेट्रो से लिया था, लेकिन ये सेल के अंदर था, और अब यकीन नहीं करेंगे कि ओनली मुझे 850 के अंदर मिले, 850 में, हालांकि मेट्रो की जितनी भी क्लासिक इनकी कलेक्शन है वो बहुत महंगी होती है, और मैंने पूरे वहाँ जाके देखा तो बहुत महंगा था, लेकिन ये मेरी लक अच्छी थी कि मुझे बहुत मुनासिब प्राइस में मिल गया। और ये आगे जब अब सर्दी भी आ रही है तो बंद शूज़ चाहिए होते, कोर शूज़, तो उस स्टाइल में आजकल चल रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, तो बस ये मैं प्रेस वेस करके रख दूँगी। इसके साथ ही ये मेरा सेट है, ये भी मेरा बरी का सेट है, और ये दो तीन सूट के साथ ये फिट आ जाता है, क्योंकि इसका कलर सिल्वर है, आपको उसमें शायद वीडियो में इतना मतलब इसका
कलर जो है वहाँ से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसका बहुत प्यारा कलर, ये बहुत खूबसूरत सा स्टाइल है। लेकिन मैंने चूँकि स्कार्फ़ लेना था तो इसलिए मैंने इयर रिंग तो नहीं पहन सकी मैं, और लेकिन मैंने इसको रख लिया था कि तैयार हो तक अगर देखूँगी कि अगर पार्टीशन वगैरह है तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसका जो ये हार था ना नेकलेस, ये मैंने फिर भी पहन लिया था, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, क्योंकि स्कार्फ थोड़ा सा मेरा ऊँचा था और वो ये बड़ा प्यारा लगा इसके साथ ही। तो ये जनाब जो है अब्बू यानी कि मेरे फादर इन लॉ और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तैयारी, क्योंकि इनके मैंने आउटफिट नहीं दिखाए थे तो मैं सोचा कि चुना इस तरीके से आपको दिखाया जाए। तो ये जनाब यहाँ पर आके शादी में फिर हम लोग जनाब हाल में पहुँचे और बड़ा मज़ा आया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की डिमांड है कि मोबाइल मुझे दे दें ताकि मैं भी जाके फ़ोटोग्राफी कर सकूं, लेकिन छोटे बच्चे उनको अभी मोबाइल कैरी करना मुश्किल होता है और वो वैसे पिक्चर्स वगैरह तो ले लेते हैं लेकिन हम जानते हैं इतनी रैंडमली लेता है वो, अच्छी नहीं ले पाता। तो यहाँ पर जनाब हो रहा था ब्राइडल शूट, मतलब आम तौर पे जो शूट वगैरह चल रहे थे हम लोग भी वहाँ पर देख कर आए और बड़ा इन्जॉय किया। और दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद जनाब बारी आती है भगदड़ की, जहाँ पर रोज़े क़यामत बपा हुई होती है, आप लोग समझ गए, मतलब जब खाना लगता है तो खाना बड़ा ज़बरदस्त है। आपको सामने टिक्के नज़र आ रहे हैं और ये अफ़गानी पुलाव है जिसके अंदर आप जानते हैं कि सारा ड्राई फ्रूट वगैरह होता है, रशियन सैलेड है और बाकी जो वो खाना भी ऐसा ऐसा लगाया जा रहा है। बच्चे भी भूख से फुल टाइम वो कर रहे थे, जब खाना वाना खाया बड़े सुकून से इत्मीनान से, बड़ा अच्छा सिस्टम था, बड़ा मज़ा आया। और खाना वाना खाने के बाद आप देख रहे हैं कि लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई है और ये आपको बर्तनों की सेटिंग से भी नज़र आ रहा होगा ना, जिस तरीके से हमारी आवाम ने खाना खाया ना वो तो देखने के काबिल होता है। और यहाँ पर ये जो हमारी छोटी जनाब गुड़िया जवेरिया जो है वो भी मेरे ख्याल अपने नेकलेस वगैरह उतारने की तैयारी में, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर पहनते हैं फिर उनको बस आवाज़ आ रही शुरू हो जाती है कि इसको उतार दें। तो बरहाल बहुत प्यारा हाल था, आप देख रहे होंगे मैंने आपको दिखाया है, बहुत प्यारी सेटिंग थी। देखिए स्टेज की सेटिंग बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत अरसे बाद फैमिली में शादी थी और ब्राइड की कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ वीडियो बनाने वाले की लिमिट्स होती हैं, इसलिए मैंने काफ़ी जगह पे ब्लर करके दिखाया है आपको, लेकिन आप इनके ड्रेसिंग वगैरह देख सकते हैं। और बस ये अब दुल्हन की भी चलने की तैयारी रुखसती की और हमारी भी रुखसती का टाइम आ गया। और अब दीजिए इजाज़त, तो कैसा लगा आज का व्लॉग और मेरा ड्रेस और मेरी गुड़िया का ड्रेस तो बताइएगा ज़रूर। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।